इस पे शपथ दिलाया जाएगा और जो जो हम बोलेंगे उसी तरह से आप लोगों को इसको शपथ लेना है। उधर घुमा दीजिए। मैं शपथ लेता हूँ कि विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज विकास खंड क्षेत्र अंतर्गत लखीमा ग्राम सभा में। पीछे देख रहे होंगे कि एक घैली रखा है जो भारतीय तिरंगाओं से के कलर से रंगा गया है और जिसमें अक्षत और मिट्टी रखा जा रहा है। आपको बता दें कि देश के प्रति प्रेम भावना जागृत करना और देश खातिर बलिदान देने वाले देश के वीर सपूतों के बलिदान को याद करने और उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए ये अमृत कलश यात्रा चलाई जा रही है। पूरे भारत में चलाया जा रहा है, पूरे प्रदेश में, पूरे ग्राम सभा में चलाया जा रहा है, एक एक ब्लॉक के ग्राम सभा में। आज उसी क्रम में लखीमा ग्राम सभा में कलश यात्रा निकला है, अमृत कलश यात्रा। हम जानेंगे, बात करेंगे कि अमृत कलश यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है और इस कलश यात्रा को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं। सरकार की ये जो कलश यात्रा चलाई जा रही है कितनी कारगर है और इससे क्या भावना उत्पन्न हो रही है देश के प्रति, सर क्या कहना चाहेंगे? सरकार के निर्देशानुसार जो है ये 75 साल जो पूर्व है हमें सवर अमृत महोत्सव के रूप में जो है इस बार वीर शहीदों के लिए जो है उसकी उनके लिए कलश यात्रा निकाला जा रहा है। जो घर से हर घर से देश की माटी उनके घर से या अक्षत लेना है और ये जो है आगे तक ये अभियान जाएगा कि मालूम हो लोगों को कि हमारे शहीद जो है देश के शहीद किस तरह जो है कुर्बानी दिए देश के लिए, उनके याद में जो है और एकजुटता के लिए और देश भावना के लिए राष्ट्र भावना के लिए जो है ये अमृत महोत्सव और कलश यात्रा निकाला जा रहा है जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे हमारे समाज में एकजुटता पैदा होगी। जी, कितनी सराहनीय है सर ये कलश यात्रा? बहुत अच्छी ये कदम है सरकार की जी। और कलश यात्रा में भागीदारी सबको होना चाहिए जी। और जो शहीद हुए हैं उनकी मान सम्मान होना चाहिए और देश प्रगति पर जा रहा है और कलश यात्रा से हमको सुख शांति सब मिले। कितना उत्साह लग रहा है सर? बहुत सारे लोग जो है उत्साह हैं कि जो है कि एक ऐसे शहीद को वीर शहीदों को याद किया जा रहा है और शहीदों में भी जो है जो शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को या जो हमारे सैनिक हैं उनके में एक उल्लास होगा कि हाँ हमारी जनता, हम सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, अपने समाज से, अपने लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर भी जो है एक जोश, एक भावना आएगी जो है और हमारे देश की रक्षा के लिए वो भी तत्पर हैं, हम भी अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। इस कलश में सर क्या क्या लेना है? इस कलश में या मिट्टी लेना है हर घर से या अक्षत लेना है जी। और ये मिट्टी और अक्षत कहाँ जाने वाला है? ये यहाँ से जाएगा ब्लॉक से एक जिला होते हुए जो है दिल्ली जो शहीद स्मारक है वहाँ पर जो है स्थापित होगा। तो कहाँ कहाँ भ्रमण करने वाले हैं सर अभी? ये गांव में सर भ्रमण करने वाले हैं हर जी, जी जी। तो देख सकते हैं लखीमा ग्राम सभा में कलश यात्रा निकल चुका है जो प्रधान प्रतिनिधि जी की अगुवाई में चल रहा है, जो पूरे घर घर जाने वाले हैं और जाके वहाँ से मिट्टी और चावल यानी अक्षत के रूप में लेने वाले हैं और यहाँ से जो भी इनका कार्य है संपन्न करने के बाद ब्लॉक पर लेके जाएंगे और उसके बाद इस अक्षत का कहाँ प्रयोग करना है बखूबी सरकार के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल बनाया गया है। ये देख सकते हैं ग्रामीणों की पूरी हुजूम है, पूरे उत्साह के साथ उत्साहित रूप से पूरे ग्रामीण एकजुट होकर इस कलश यात्रा में भाग लिए हैं जो कलश यात्रा प्रारंभ हो चुका है और देख रहे हैं कि घर घर प्रधान जी जा जाके अक्षत लेने का काम कर रहे हैं जो शुरू हो चुका है। भारत के देश प्रेम की भावना जागृत करना और बलिदानियों को याद करने और उनके स्मारक बनाने में अक्षत और ये मिट्टी बहुत ही पवित्र माना जा रहा है क्योंकि ये देश प्रेम की भावना जागृत करने वाले जो हमारे बलिदानी हैं उनको नमन करने के लिए जो सरकार की योजना चलाई जा रही है, लोगों ने बताया कि बहुत ही सराहनीय है और इस तरह का होने से हमारे देश प्रेम की भावना जागृत होती रहती है और हमें ऐसा करना चाहिए। तो हमें इस कलश यात्रा में हमेशा भाग लेना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए नहीं बल्कि देश के उन बलिदान शहीद और जो देश खातिर प्राण देने वाले बलिदानियों के लिए बनाया जा रहा है, स्मारक के लिए बनाया जा रहा है। तो इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा शरीक हुए। देख सकते हैं प्रधान जी चावल अक्षत ले रहे हैं और घर घर जाकर लेने का कार्य कर रहे हैं।
और ले आई हर से ले आई।